हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, ये हम थर्ड मेथड पढ़ने वाले हैं आज। इसके पहले वाली वीडियोस में, प्रीवियस जो वीडियोस हैं, उसमें मैं रैंक फाइंड आउट करने के दो मेथड के बारे में पहले से डिस्कशन कर चुका हूँ। हम वो दो मेथड सीख चुके हैं, ठीक है। दो मेथड इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि हम कैसे मैट्रिक्स को एसएलएन फॉर्म में चेंज करके उसका रैंक फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और उसका रैंक निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है ना, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, है ना। तो हमको पहले क्या है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हमको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद उसका रैंक फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन में ये भी आता है कि मैट्रिक्स को एसलोन फॉर्म में चेंज करो और उसके बाद उसका रैंक फाइंड आउट करो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और उसका रैंक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म का हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट हमको क्या बोल रहा है, बाय मीन ऑफ ट्रांसफॉर्म एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड रैंक आर इज ग्रेटर देन जीरो कैन बी रिड्यूस टू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। देखो, मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। हमको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा ना, उसको हमको क्या करना है, इन चार में से किसी एक फॉर्म में चेंज करना है। मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स को चेंज करेंगे तो इन चार फॉर्म में ही चेंज होगा वो मैट्रिक्स, ठीक है। यहां मतलब हमको इस मैट्रिक्स को समझो, जैसे ये 3x4 का मैट्रिक्स है ना, तो इसको हमको क्या करना है, देखो ये 3x4 का मैट्रिक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को 1 बनाएंगे। मतलब ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, उसके बाद अदर सारे एलिमेंट 0 करने हैं। मतलब ये कौन से फॉर्म में चेंज हो सकता है, इस फॉर्म में चेंज हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि हम यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, तो ये या तो 3x3 का बनेगा या 2x2 का बनेगा। जैसे हम यहाँ 1 बनाएं, यहाँ 1 बनाएं, सपोज यहाँ 1 नहीं बन के 0 आ गया, मतलब इसका मतलब ये है कि ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और उसके अदर सारे एलिमेंट को 0 करेंगे। तो या तो ये वाला मैट्रिक्स इस फॉर्म में चेंज होगा, या तो सेकेंड या तो फोर्थ फॉर्म में चेंज होगा। समझ रहे हो बात को, मतलब हमको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है वो उसको हम इन चार फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो, मैं क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ आई आर का मतलब होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, और आर से डिनोट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इसको क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद हमको रैंक फाइंड आउट करना है। तो ये जान लो कि ये जो क्वेश्चन है, इन चार में से किसी एक फॉर्म में ही चेंज होगा। मतलब हमको पता चल गया ये 3x4 का मैट्रिक्स है ना, तो या तो ये सेकंड फॉर्म में बनेगा या फोर्थ फॉर्म में बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, ये हमारे पास 3x4 का मैट्रिक्स है, हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको डायगोनल्स में 1 बनाने, ठीक है। सबसे पहले रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट हमको 1 बनाना है, उसके नीचे सारे एलिमेंट क्या बनाने हैं, 0 बनाने, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हमको 1 बनाना है, फिर ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को हमको 0 करना है। समझ में आया बात, तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ हमको रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 है। अब नीचे के सारे एलिमेंट हमको क्या करने हैं, 0 करने। तो देखो, हम क्या करेंगे, R2 का जो पहला एलिमेंट है इसको हमको क्या करना है, 0 करना है। तो हेल्प किसके लेंगे, R1 का ही हेल्प लेंगे। वैसे ही R3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हमको 0 करना है ना, तो कि कौन से रो का हेल्प लेंगे, R1 का ही हेल्प लेंगे। तो यहाँ हम दो ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं। देखो, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 माइनस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करके मैं R1 में माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3, ये क्या है, -2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब जो ऑपरेशन है उसको एक बार देखो, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, यहाँ हम रफ वर्क कर लेते हैं। R2 के सारे एलिमेंट लिख लो, क्या क्या है, 3, 4, 1 और 2, ठीक है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R2, तो R2 के एलिमेंट्स को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 3, 4, 1 और 2, ठीक है। माइनस कर रहे हैं R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, तो यहाँ 3 लिख दो, 3 × 1 = 3 होगा ना। वैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = क्या हो गया ये, 6। वैसे ही यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 होगा।
वैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। 3 के जगह क्या आएगा, यहाँ आएगा 0, ठीक है। ये R2 के सारे एलिमेंट लिख रहा हूँ, और यहाँ क्या आएगा माइनस 2, यहाँ का आएगा 1 और यहाँ का आएगा 5, समझ में आया बात। वैसे ही हम लोग, ये रफ वर्क है ना, वैसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं R3 में जो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R3 के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, माइनस 2, 3, 2 और 5, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद माइनस 2, 3, 2 और 5, हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, तो प्लस यहाँ 2 कर रहे हैं, और यहाँ फिर से ऐड कर रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये हो गया 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ज़ीरो ज़ा 0, प्लस ये हो गया 0। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन ज़ा क्या हो गया माइनस 2, प्लस माइनस यहाँ माइनस 2, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है, ये 0 हो रहा है और ये हो रहा है 7, ये हो रहा है 2 और ये हो रहा है 3। अब हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं। देखो हम लोग ऑपरेशन लगा रहे थे R2 और R3 में, तो R1 एज इट इज आएगा 1 2 0 माइनस 1। अब यहाँ ऑपरेशन लगाए हैं हम लोग, 3 के जगह क्या आ रहा है, यहाँ 0 हो गया, फिर माइनस 2, फिर 1, फिर 2 के जगह 5, ये हो गया R2 के एलिमेंट। अब R3 के एलिमेंट लिख लेते हैं, माइनस 2 के जगह यहाँ आ रहा है 0, फिर 3 के जगह 7, फिर 2, फिर 3। तो हम क्या किए, सबसे पहले फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाया, उसके बाद दोनों एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमको, डायगोनल्स में 1 बनाना है, ये 1 बन गया, अब इसको 1 बनाएंगे, इसको क्या करेंगे 1 बनाएंगे। तो देखो इसको 1 बनाने के लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं, क्या अगर इसके नीचे या ऊपर में 1 है तो हम रोज को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, या इसमें क्या करेंगे, देखो ये माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो हम सबसे पहले R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में डिवाइड दे रहे हैं हम माइनस 2 से, ठीक है। तो R1 और R3 एज इट इज लिख देते हैं, तो R1 क्या है 1 2 0 माइनस 1, अब यहाँ माइनस 2 से डिवाइड देंगे तो 0 डिवाइड बाय माइनस 2, तो ये 0 ही होगा, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 1 बाई 2 और ये हो गया माइनस 5 बाई 2, ठीक है। R3 थ्री एज इट इज रहेगा 0 7 2 3। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये 1 बन गया ना, तो इसके ऊपर भी क्या बनाना है 0 और नीचे भी क्या बनाना है 0, ठीक है। अब दिख रहा है ये भी 0 बनाना है, ये भी 0 बनाना है, तो पहले इसको 0 बना लेते हैं। देखो जिसको 0 बनाना है, देखो इसको अगर हमको ये वाले एलिमेंट को 0 बनाना है तो हेल्प क्या लेंगे, जो 1 बनाया ना उस वाले रो का हेल्प लेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो हम पहले क्या करते हैं R3 में, R3 को हमको क्या बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे R3 माइनस, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर रहे हैं, तो R1 और R2 को तो एज इट इज लिखो पहले, 1 2 0 माइनस 1, 0 1 माइनस 1 बाई 2 और माइनस 5 बाई 2, ठीक है। अब R3 में लगा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं R3 माइनस 7 इंटू R2, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो 0 माइनस 0, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 0 होगा। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 वन ज़ा 7, 7 माइनस 7 0, वैसे यहाँ इसको रफ में कर लेते हैं, ये है 2, हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 7 बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस 7 बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस 7 बाई 2, तो ये क्या हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 7 11 बाई 2 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा 11 बाई 2, यहाँ क्या हुआ 11 बाई 2। वैसे ही अगर यहाँ देखें हम तो इसको लिख लेते हैं 3, और हम क्या कर रहे हैं R3 यहाँ माइनस, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7 5 ज़ा 35, माइनस 30 बाई 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 35 बाई 2, तो हो गया 4 3 टू ज़ा 6, तो ये हो गया 41 बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा 41 बाई 2, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये भी 0 बन गया, अब हमको क्या करना है इसको 0 बनाना है, अब हम इसको क्या करते हैं 0 बनाएंगे, तो 0 बनाएंगे तो सबसे पहले हम R1 में देखो हेल्प किसका लेंगे, R2 का लेंगे, रो 2 का लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 बना हुआ है ना, इसलिए तो R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं,
आर वन माइनस यहाँ टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे रहे हैं, टू से मल्टीप्लाई करके आर टू में माइनस कर रहे हैं, तो हम लगा रहे हैं ऑपरेशन आर वन में, हम लगा रहे हैं ऑपरेशन आर वन में। तो देखो आर वन में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम लोग, आर वन माइनस टू से, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा टू जीरो, वन माइनस जीरो क्या होगा वन होगा, अब यहाँ टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो ये हो गया जीरो। अब देखो जीरो एक बार लिख लेते हैं, ये वाला चीज को लिख लेते हैं, आर वन जीरो माइनस यहाँ क्या कर रहे हैं टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो माइनस टू अपॉन टू, तो क्या होगा माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस वन, तो यहाँ क्या आएगा वन। वैसे यहाँ इसको लिख लेते हैं माइनस वन, हम क्या कर रहे हैं टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस फाइव, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस फाइव, तो माइनस वन प्लस फाइव क्या बचा फोर बचा, ठीक है। और आर टू और आर थ्री एज इट इज लिख देते हैं, जीरो वन माइनस वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू और जीरो 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 इलेवन बाई टू और फोर्टी वन बाई टू, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये वन बन गया, ये वन बन गया, अब इसको वन बनाना है, तो वन बनाने क्या करना है, दो तरीका होता है, या तो ऊपर में अगर ऊपर वाला एलिमेंट वन होता तो एक्सचेंज कर देते, अब नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे टू अपॉन इलेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में करते हैं, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। चलो बच्चों तो यहाँ तक हमने कर लिया था, अब हमको क्या बनाना है, ये वाला एलिमेंट हमको वन बनाना है, तो हम क्या करेंगे आर थ्री में क्या करेंगे टू अपॉन इलेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे आर थ्री में, ठीक है। बाकी आर थ्री में ऑपरेशन लगा रहे हैं, आर वन और आर टू को एज इट इज लिख देते हैं, वन जीरो वन फोर जीरो वन माइनस वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू, यहाँ टू अपॉन इलेवन से मल्टीप्लाई, तो ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये हो जाएगा वन, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग टू अपॉन इलेवन से, तो टू टू कट जाएगा, फोर्टी वन अपॉन इलेवन बचेगा, तो ये हो गया फोर्टी वन अपॉन इलेवन। अब देखो यहां तक हो गया, पूरे डायगनल्स में वन बन गए, अब हमको क्या करना है इसको बनाना है जीरो, अब इसको जीरो बनाना है ना, तो हो सकता है कि मैं इसका हेल्प ले लूं, मैं क्या बोला था वन का, लेकिन देखो इसका हेल्प लेंगे ना, देखो हमको इसको क्या बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो अगर ये वाले रो का हेल्प लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, ध्यान से समझना ना, हमको क्या करना है ये वाला एलिमेंट हमको क्या करना है जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब वन टू थ्री थर्ड नंबर के कॉलम में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं थर्ड वाले कॉलम को, हमको इसको जीरो करना है, तो यहाँ वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके सी टू में क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को, तो करेंगे तो देखो कॉलम वन को पहले लिख लेते हैं वन जीरो जीरो, कॉलम टू को लिख लेते हैं जीरो वन जीरो। अब देखो सी थ्री में हम क्या कर रहे हैं यहाँ वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वन हो जाएगा, यहाँ वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो गया जीरो, यहाँ वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो गया वन, बाकी को लिख लेते हैं फोर माइनस फाइव बाई टू और ये हो गया फोर्टी वन अपॉन इलेवन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, ये डायगनल्स पूरा वन बन गया, ये जीरो बन गया, इसको भी जीरो बनाना है और फर्दर फिर और भी सारे एलिमेंट को जीरो करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है इसको बनाना है जीरो, तो हम हेल्प लेंगे किसका कॉलम वन का, क्या करेंगे कॉलम वन का, तो हमको जीरो बनाना है सी वन सी टू सी थ्री, सी थ्री में हमको जीरो बनाना है यहाँ, तो हम क्या करेंगे सी थ्री माइनस सी वन कर देंगे, ठीक है। सी थ्री माइनस क्या कर देंगे हम लोग सी वन, देखो मैं क्या है आपको समझाने करके एक एक ऑपरेशन लगाते जा रहा हूँ, हम एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, तो C1 को एज इट इज लिख देते हैं वन जीरो जीरो, C2 को भी जीरो वन जीरो, अब C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं C3 माइनस C1 कर रहे हैं, तो वन माइनस वन ये हो गया जीरो, जीरो माइनस जीरो ये हो गया जीरो, और C3 में C1 कर रहे हैं ना, तो वन माइनस जीरो ये हो गया वन, एज इट इज लिख देते हैं फोर माइनस फाइव बाई टू और फोर्टी वन बाई इलेवन। देखो यहां तक काम हो गया, हम लोग डायगनल्स में क्या कर दिए वन बना दिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री का बन रहा है, हम फर्दर ये तीनों एलिमेंट को भी हमको जीरो करना पड़ेगा, मतलब ये किस फॉर्म में होगा समथिंग इस फॉर्म में होगा,
हमको इस फॉर्म में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को भी हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक एक करके करेंगे। तो C1 में हम C4 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो इसको जीरो करना है तो इसका हेल्प लेंगे, समझ में आया, इसको जीरो करना है तो इसका हेल्प लेंगे, ये वाले कॉलम का हेल्प लेंगे, इसको जीरो करना है तो इसका। तो हम तीन ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं, ठीक है, थ्री ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं हम। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, एक साथ ऑपरेशन लगा रहा हूँ, लास्ट ऑपरेशन। C4 में हम क्या कर रहे हैं, C4 माइनस हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके C1 में, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, एक एक करके ही करना पड़ेगा क्योंकि पूरे एलिमेंट C4 के हैं। तो यहाँ एक एक करके करते हैं, चलो 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1। अब यहाँ करेंगे तो ये क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 0 हो गया। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये एज इट इज़ होगा -5/2, ये भी एज इट इज़ होगा 41/11, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम लगाएंगे C4 में क्या करेंगे, C4 प्लस यहाँ ऐड करेंगे 5/2 से मल्टीप्लाई करके C2 में, 5/2 से मल्टीप्लाई करके हम C2 में ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये हो गया 41/11, ठीक है। यहाँ तक एक ऑपरेशन और लगाना है हमको C4 में, एक ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाना है C4 में, हमको ऑपरेशन लगाना है C4 माइनस, यहाँ 41/11 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, C3 में माइनस करेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो कैसे होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। तो ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे मैट्रिक्स का। ये क्या बना, ये ट्रांसफॉर्म हो गया I3 और ये 0 में, मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, रैंक ऑफ A, वो क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में। तो ये था मैट्रिक्स का, हम रैंक फाइंड आउट किए क्या करके, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके, ठीक है, समझ में आई बात, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम आगे क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म एसेलॉन फॉर्म से रिलेटेड जितने भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन है ना, वो और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।